इतना माशाल्लाह से ह्यूज साइज है और फुल्ली चिकन से जिंगर से ये लुक है, तो मुझे नहीं पता चल रहा कि मैंने इसकी बाइट कैसे लेनी है। तो आज हम लोग पिज्जेरियन पे आए हैं जो कि कोहिनूर सिटी में फैसलाबाद के अंदर मौजूद है, और इनके पास हर तरह का जो फास्ट फूड है वो अवेलेबल होता है। तो अभी हम लोग इनके पास आए हैं, यहाँ पर बहुत अच्छी इन्होंने ब्रांच अपनी जो है ये बनाई हुई है, खूबसूरत है। कस्टमर्स जो हैं वो काफ़ी सारे बैठे हुए हैं खाने के वेट में, और हम लोगों ने इनको जो ऑर्डर है वो कन्फर्म किया है। इनका एक टावर बर्गर है काफ़ी बड़े साइज का, तो एक तो हमने इनको टावर बर्गर इनका जो है उसका ऑर्डर कन्फर्म किया है, और एक हमने इनको इनका जो स्पेशल प्लेटर है उसका ऑर्डर कन्फर्म किया, जिसके अंदर स्पिन रोल्स होते हैं और ओवन बेक्ड जो विंग्स हैं वो होते हैं और साथ जो फ्राइज हैं वो होती हैं। अभी हम लोग इनके किचन में भी चलेंगे और इनके किचन में भी देखेंगे कि कैसे ये रेडी करते हैं चीज़ों को, और आपको भी दिखाते हैं। ये जी हमारा प्लेटर लगने लगा है, चले भाई स्टार्ट कर लेंगे इसकी मेकिंग। चिकन आ गया इसके अंदर, सबसे पहले सॉस ब्रेड ली है, उसके ऊपर सॉस लगाई है, सॉस के बाद ये चिकन आ गया इसके ऊपर, और ये आ गया जी अपना कैप्सिकम आ गया, और क्या है जी कॉर्न आ गया जी, के बाद ब्लैक ऑलिव्स, फुल जूसी से लगाने हैं, ये जी अब इसके अंदर स्पेशल सॉस है इनकी जो वो ऐड हो रही है, और अब इसको रोल कर दिया जाएगा। ये जी पैन के अंदर रख दिए गए हैं, अब ये इसके ऊपर ऑयल की टॉपिंग हो रही है, और ऑयल के बाद जी इसके ऊपर आएगी अब चीज़। वाह फुल चीज़ ही हो रहा है। ये जी हमारा अपना रोल्स आ रहे हैं ओवन के अंदर, और साथ में ये ना इनके विंग्स होते हैं जो डील के अंदर ना विंग्स हैं प्लेटर के अंदर, और इसके साथ फ्राइज होती है और फ्राइज भी इसके साथ हैं। ये जी हमारा टावर बर्गर रेडी होने लगा है, इसके अंदर सबसे पहले बर्गर को गर्म किया है, फिर ऊपर मायो आ गई है, मायो के बाद आइसबर्ग आ गई है, आइसबर्ग के बाद नियम होता जिंगर का पीस आ गया, फिर मायो आ गई है ऊपर, फुल जिंगर का पीस है, उसके बाद भी ये हमारा स्लाइस आ गया चीज़ का, स्लाइस आ गया। उस्ताद जी खैर है, और यार ये क्या बना दिया आपने, पूरी टावर बर्गर है, लोग चेक करेंगे। ये जी हमारा प्लेटर जो है वो रेडी हो के आ रहा है भाई, विंग्स हैं इसके अंदर, फ्राइज हैं, और ये अपना स्पिन रोल जो होते हैं 4 पीसेस वो हैं।
ये चीन के स्प्रिंग रोल्स हैं, बड़े गरम गरम और फ्रेश। मज़ेदार लग तो बहुत मज़ेदार है। साथ इसके ये सॉस इन्होंने दिए, इसको ज़रा टेस्ट करते हैं अभी। बहुत मज़ेदार, गर्मा गर्म फ्रेश चीज़ी, बहुत अच्छा टेस्ट है। वंडरफुल यार। हुए बहुत गर्म है। ये इनके विंग्स हैं और ये बेसिकली एक प्लेटर था कंप्लीट, जिसमें विंग्स हैं, स्पिन रोल्स हैं और ये फ्राइज है और इसके साथ सॉस है। तो इतना गुस्सा, मुर्गी को पता चले ना मेरे साथ इंसान ये करते हैं तो मुर्गी भाग जाए कहीं। कमाल यार, यकीन कर बहुत कमाल टेस्ट है यार। इतना यार मतलब ये नजर आ रहा है, ये स्किन है, मजे की नहीं, अलग कैसे हो रहा है। लेवल है यार, बहुत अच्छा टेस्ट है, फ्रेश है बिल्कुल। और ऐसे चिकन बना हुआ है ना कि वो मेल्ट हो रहा है मुंह में, टेस्ट भी इतना फैंटास्टिक टेस्ट है उसका। और ये सॉस जो है, ये तो ये साथ इनकी फ्राइज हैं, जो भी फ्राइज लवर हैं वो उनके लिए बड़ा अच्छा प्लेटर है ये, कि अंदर विंग्स भी हैं इसके और ये स्पिन रोल्स भी हैं चार, और पांच इसमें विंग्स हैं और बाकी जो है इसके अंदर सारी फ्राइज है और इसके साथ जो है सॉस है। आइस डली हुई है क्रश, इसमें फुल ठंडी कोक है। बहुत अखीर है, कमाल। ये जी इनका है जी अपना स्प्रिंग रोल, टेस्ट करते हैं कैसा। फुल जूसी है, क्रिस्पी है और फुल चीज़ी है। चिकन की क्वांटिटी भी बड़ी अच्छी है, मज़ेदार। सॉस बहुत मज़े की, साथ में इनके बेक्ड विंग्स हैं, ये ट्राई करते हैं। भाई हर चीज़ जो है वो ना चीज़ में डूबी हुई है बिल्कुल, और बिल्कुल ऐसे मुलायम चिकन है बिल्कुल। मज़े की एक, हाँ फाइव भी इनकी चेक करते हैं। Mm.
मज़े की है, आए चेक करें, काफ़ी अच्छा टेस्ट है। लें जी, ये जो इनका टावर बर्गर है और इतना माशाल्लाह इसका ह्यूज साइज है और फुल्ली चिकन से जिंगर से ये लुक्ड है, तो मुझे नहीं पता चल रहा कि मैंने इसकी बाइट कैसे लेनी है। देखने में तो बड़ा टेस्टी लग रहा है, ये भी इसको मैं चेक भी करता हूँ और सॉसेज के साथ ये बड़ा बड़ा है और बन भी काफ़ी इसका सॉफ्ट है। अभी मैं इसको ट्राई करता हूँ। लो जी, इसकी मैं बाइट लेने लगा हूँ इस जंबो साइज बर्गर की। बहुत ही हिम्मत वाले बंदे का काम है इसको खाना। टेस्ट इसका बहुत शानदार है, क्रिस्पी इसका जो जिंगर है, सॉसेज इसकी, इसके अंदर चीज़ लगी हुई है, ईच एंड एवरी थिंग, टेस्ट इसका बन, इसका चिकन बहुत मज़ेदार है, फुली रिकमेंडेड है। यहाँ पर आप आएँ, इनका लाजमी जो ये टावर बर्गर है इसको ट्राई करें, बहुत मज़ेदार टेस्ट है, सीरियसली बहुत मज़ेदार। ये जी इनका टावर बर्गर है, चेक करते हैं कैसा है, टेस्ट करके बताते हैं। यार ये एक बंदे का तो काम नहीं है बिल्कुल भी, किसी सूरत भी, बहुत ही ह्यूज बर्गर है इनका। फुली जूसी है, मज़े का है। मुंह में पूरा नहीं आता इतना बड़ा उसका साइज लेकिन यार कसम से एंड है, बहुत मज़े का टेस्ट है यार। जिंगर कितना क्रिस्पी है इसका, है ना, कितना क्रिस्पी जिंगर है, लेवल है यार, मज़े का, फुली जूसी है, मज़े का जी। तो भाई कैसा लगा इनका टेस्ट? यार टेस्ट माशाल्लाह बहुत अच्छा है। और प्लेटर की अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर आपको 4 जो हैं वो स्पिन रोल्स मिलते हैं और आपको 5 विंग्स मिलते हैं, 7 फ्राइज मिलती हैं, सॉस मिलती है, तो परफेक्ट है वो भी एक बंदे के लिए। मतलब डिपेंड सोन के किसकी कितनी वो मतलब भूख की है वो, तो वो 2 बंदे भी मतलब उसको खा सकते हैं। और जो टावर बर्गर है एक बंदे का वो काम नहीं है। समटाइम ऐसे होता है कि आपको हैवी फील होने लगे, तो हैवी बड़ा सीन नहीं है, टेस्ट बहुत अच्छा उसका, आपका दिल चाहेगा मैं खाऊँ लेकिन आप खा नहीं पाओगे उसकी क्वान्टिटी की वजह से। जो उसका साइज़ है आपने देखा, मैंने अभी आपको दिखाया भी है, खा कर भी खाया भी आपके सामने, तो ओवरऑल जो है बड़ा अच्छा टेस्ट है, मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पर, और फुल चिल्ड कोकी के साथ, और बड़ा अच्छा लगा। मैं रिकमेंड करूँगा कि मतलब अगर आपने ये खाना हो यहाँ पर आएँ लाजमी। और बाकी नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होती है आपसे। बाय बाय।